हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक क्रेजी। दोस्तों, आप में से कई लोग जब भी आप कोई वीडियो आपको रिकॉर्ड करना होता होगा तो आप कई एप्लीकेशंस को यूज़ करते होंगे, जैसे कि एजी स्क्रीन रिकॉर्डर है, डी यू स्क्रीन रिकॉर्डर है। लेकिन जो MI A1 के जो यूज़र्स हैं उनको एजी स्क्रीन रिकॉर्डर में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो काम नहीं कर रहा वहाँ पर, या फिर कुछ ग्रांट परमिशन उसको देनी पड़ती है लेकिन वो फिर भी काम नहीं कर रहा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप कुछ ट्रिक्स के साथ इस एजी स्क्रीन रिकॉर्डर को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि प्ले स्टोर से आपको पहले एजी स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वो इंस्टॉल करना होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कर रखा है। तो आइए इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रांट परमिशन, यू नीड टू ग्रांट पॉपअप विंडो अलर्ट परमिशन टू यूज़ एजी स्क्रीन रिकॉर्डर। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू ग्रांट दिस परमिशन, प्लीज़ वॉच दिस ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल को देखने के बाद भी शायद मैंने भी ये ट्राई किया लेकिन फिर भी ये वर्क नहीं कर रहा था। तो एक छोटी सी ट्रिक है जिसको यूज़ करके मैं इस स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज़ कर पा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, कि ऐप इन्फो जो होती है किसी भी ऐप की, उस ऐप इन्फो में आपको जाना है। तो एजी स्क्रीन रिकॉर्डर की जो ऐप इन्फो है हमें उसमें जाना है। तो चलिए ऐप इन्फो में। तो ऐप इन्फो में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि एडवांस्ड में डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स में यहाँ पर अलाउड कर रखा है, और मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग्स को भी यहाँ पर अलाउड कर रखा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि इसको डिसेबल करना होगा। तो आप मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग्स हैं, इसको भी आप डिसेबल कर दीजिए। डिसेबल करने के बाद सिंपल सा आपको क्या करना है, वापस एजी स्क्रीन रिकॉर्डर के ऊपर टैप करना है। तो वापस से ये ग्रांट परमिशन, ये एक पॉपअप विंडो आपके सामने शो होने लगेगी। आप इसको सिंपल ग्रांट परमिशन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आकर डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स इसको वापस इनेबल कर दीजिए, और मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग्स हैं इसको भी आप इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद दोस्तों आप देखोगे कि ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो वर्क करने लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, ये वर्क करने लगा है। तो दोस्तों, ये छोटी सी जो ट्रिक थी, इस ट्रिक के साथ आप जो शाओमी के जो यूज़र्स हैं जो A1 फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और उनको ये एजी स्क्रीन रिकॉर्डर अपने इंस्टॉल करना है और इसके साथ काम करना है लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा, इस छोटी सी ट्रिक के साथ आप उसको ईजिली हैंडल कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और इस वीडियो को प्लीज़, अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में कमेंट्स आपको लगता है कि व्यूज़ देने हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में जाके अपने कमेंट्स दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।